हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 5 बजे का टाइम हो रहा है और हस्बैंड की हालत है खस्ता। कर दी मेरी हालत खस्ता। मैंने क्यों कर दी? मुंह में रसगुल्ला खा रहे हैं दोस्तों, इस साइड रसगुल्ला छुपा रखा है इन्होंने। तो मेरी बीवी ने मुझे बहुत मारा है। तो भाई ये सब तो मजाक की बात है। एक शॉर्ट्स जो है ढंग से नहीं बना पाया, तो मैडम ने प्रसाद दे दिया है मेरे को। क्या प्रसाद दे दिया? प्रसाद कह रहे मैंने एक शॉर्ट अच्छे से नहीं बनाई थी तो मैंने प्रसाद दे दिया। तो ये सब तो मजाक की बात है। इनके जाड़ में जो है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कई दिनों, 2-3 महीने पहले भी दर्द हुआ था। उस टाइम तो हमने वैसे ही सफाई करवा के, तो फाइनली अब आ चुकी है स्वेलिंग। मसाला वगैरह भरवा लिया था लेकिन वो मसाला कुछ दिन भी नहीं टिका, 2-3 दिन के अंदर ही निकल गया। और सफाई के चक्कर में ना उसने कुछ ज्यादा ही, मतलब क्या, खोखली कर दी, गड्ढा कर दिया। और फिर उस टाइम से ही कुछ टाइम तो सही चला, लेकिन फिर अब 2-3 दिन मैं अपने घर गई हुई थी, उसके बाद बता रहे थे कि मेरी जाड़ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और 2 दिन से तो अब स्वेलिंग आई हुई है। तो अब डॉक्टर के दिखाने जा रहे हैं, देखते हैं क्या बताता है डॉक्टर। फाइनली डॉक्टर मेरा दांत निकालने वाला है। अभी तो खैर नहीं निकालेगा, अभी तो स्वेलिंग आई हुई है। स्वेलिंग को पहले कम करने की दवाई देगा वो, उसके बाद जो है वो निकालेगा। वाकई में है जैसे रसगुल्ला सा रखा मुंह है ना, देखिए कोई अगर देखेगा ना बाहर का तो ऐसे सोचेगा खाता होगा गुटखा वगैरह पान तंबाकू। तो अजीब से लग रहा है मेरे को खुद ही जो है ना। बाहर से स्वेलिंग आ रही है और अंदर से भी बहुत ज्यादा रेड रेड हो रहा है पूरा मसूड़ा। गाल बिल्कुल गरम गरम सा जो है ना, ऐसे स्वेलिंग की वजह से ही हो रहा है। दोपहर में भी एक बार आए थे हम डॉक्टर के, लेकिन हमें फिर बाद में पता लगा कि जो है टाइमिंग उसका जो शाम को बैठता है वो शाम को 5 से 9 बजे तक बैठता है। तो हम शाम, तो अब शाम को आई हूँ दिखाने के लिए। तो देखते हैं भाई क्या होता है। अभी इस टाइम थोड़ा ट्रैफिक भी ज्यादा होता है। चलिए भाई देखते हैं डॉक्टर के वहाँ पे जाके क्या निष्कर्ष निकलता है। डॉक्टर मेरा दांत जो है आज ही तोड़ेंगे या डॉक्टर मेरी बीवी को बोल देंगे कि भैया या मैडम आप ही कर दो काम, आप अच्छी तरह कर दोगे। मैं तो फ्री में कर दूंगी, एक ही बार में जो है दांत बाहर और पैसे बच जाएंगे। दांत तो क्या है, जाड़ तो क्या है, कुछ भी नहीं है। कीड़े ने अच्छे से खा चुका है वो, अब वो इधर पूरा पेट भर चुका है कीड़ा। पूरा पेट भर चुका है, खा पी के आराम से लौट रहा है। थोड़ा सा हिस्सा है वो जो परेशानी दे रहा है वो। मैं बहुत पहले भी कह रही थी इनसे कि आपको निकलवानी पड़ेगी और उस टाइम इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब दिक्कत ये हो जाएगी अगर वो वाली जाड़ तो जैसे कीड़ा खा ही चुका है, तो क्या पता ऊपर नीचे वाली जाड़ में भी लग गया हो कीड़ा, वो चीज दिखानी भी पड़ेगी। साइड के पलोट वगैरह कब जाले क्या पता वो। क्योंकि जब कीड़े को कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो इधर उधर ही जाएगा वो, उसको फिर नया माल चाहिए। तो 2 दिन के लिए घर गई थी, 2 दिन में बीमारी लगा ली। तो भाई ऊपर है डॉक्टर के पास, डॉक्टर आ चुका है, इंजेक्शन वगैरह लगाए जा रहे हैं। मैं तो नीचे आ गई डर की मारी, काफी जोर से दर्द हो रहा है उनको। अभी चल रही है ट्रीटमेंट वगैरह, फिर देखते हैं। दो इंजेक्शन लगाए हैं, अच्छा दर्द हो रहा था। तो दोस्तों डॉक्टर के वहाँ से आ चुके हैं और काफ़ी पेनफुल ट्रीटमेंट रहा मेरा। तो स्वेलिंग अभी बहुत ज़्यादा आई हुई है, आप लोग देख रहे हो कि मेरा मुंह भी थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो ऐसे लग रहा था जैसे कुछ मुंह में डाल रखा रसगुल्ला टाइप का। तो भैया काफ़ी दर्द हुआ था। तो RCT कराई है मैंने, तो RCT में देखो अभी फर्स्ट सीटिंग तो हो चुकी है आज, तो कल जो है सेकंड सीटिंग है कल। तो पता नहीं कम से कम 30-35 बार उन्होंने नसों के अंदर इंजेक्शन सुई वगैरह डाल के सब कुछ तो डाला। तो कल फिर दोबारा यही प्रोसेस है। तो भैया हम तो गए बेटा, ओए सॉरी। तो लिशु हमसे पूछ रही थी कि पापा कैसे दर्द हो रहा है, मैंने कहा बेटा मर गए हम तो।
तो चलिए भाई, अभी खाना तो बताया कि कम से कम दो या दो ढाई घंटे बाद खाने के लिए बोल रहा है, उससे पहले पानी भी नहीं पीना है। तो अभी दवाई ली है जस्ट, तो उसके बाद खाएंगे खाना, तो उसके बाद कल देखते हैं क्या होता है। तो भाई प्रोसेस क्या, प्रॉब्लम क्या थी कि मैंने जब मेरे दांत में दर्द हुआ था तो डॉक्टर को दिखाया था, मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उसने कहा था कि उसमें कीड़ा लगा है दांत में, तो उन्होंने फिर जो है ड्रिल वगैरह करके उसमें मसाला भर दिया, कच्चा मसाला, वो टिका नहीं दांत के अंदर और वो निकल गया। तो उसके बाद फिर क्या है कि धीरे 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 जो है वो साइड होकर जो है वो किरक किरक के और फिर जो है ज़्यादा गैप हो गया दांत के अंदर। अब जो है ज़्यादा पेन हुआ मेरे को, तो फिर मैंने एंटीबायोटिक अपनी टैबलेट वगैरह ली, तो टैबलेट लेने के बाद नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो फिर मेरे मुँह पे यहाँ पर स्वेलिंग हुई थी। तो उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के गया हूँ आज, डॉक्टर ने कहा था कि, मैंने बोला कि डॉक्टर साहब ये जाट वगैरह तो नहीं निकलवानी है, उन्होंने कहा था कि भाई जाट नहीं, आरसीटी होती है, आरसीटी कराओ आप स्कैन, वो क्या बोलते हैं एक्सरे वगैरह करके दांत का। फिर उन्होंने चेक किया कि भाई उसमें इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो हो जाएगा आरसीटी, तो आरसीटी ही कराई है मैंने, क्योंकि उसका ये फ़ायदा है कि दांत नहीं निकालने पड़ेंगे, उसी के ऊपर कैप वगैरह लग के और उसमें काम हो जाएगा, तो इसको दांत ज़्यादा मिलेंगे तोड़ने के लिए, तो इसलिए मैंने अपने दांत जो है सारे के सारे अभी बचा के रखे हैं। सेम सेम हो रहे दोनों। तो आज हम सेम से, क्योंकि मेरे को सर्दी लग रही थी, क्योंकि मैं घबरा रहा था काफ़ी, दर्द काफ़ी हो रहा था मेरे को, तो जैसे ही मैं क्लिनिक से बाहर निकला मेरे को दर्द काफ़ी हो रहा था और बुखार चढ़ गया मेरे को, तो सर्दी लग रही थी, तो सर्दी ज़्यादा फील होती थी, तो मैंने ये अपना पहन लिया। तो चलिए अभी अब खाते हैं खाना, तो उसके बाद कुछ देखते हैं। काफ़ी आपको बड़ी राम कथा सुना दी मैंने, लेकिन किसी को हो तो वो थोड़ा सा भाई मैं बता दूं कि ये प्रोसेस जो है ऐसे ऐसे होता है, और जाट वगैरह मत निकलवाओ अपनी, और आरसीटी करा लो, उससे बेनिफिट ये रहेगा आपके दांत सारे बचे रहेंगे। 9 बज रहे हैं और बच्चों ने भी खाना खा लिया, डॉक्टर से आने के बाद मैंने खाना वाना बनाया था, क्योंकि इन्हें हल्का ही खाने के लिए कहा था, तो खिचड़ी तो फिर बच्चे नहीं खाते, इसीलिए मैंने दाल ही बॉइल करी थी। तो हम सब ने खाना खा लिया है और अभी शरद खाना खा रहे हैं। ना टेडी क्यों कर रखी है, डॉक्टर ने बताया कि इस तरफ से खाना है, इधर नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और क्या था, उन्होंने कहा था चबाते वक्त बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है, फिर मैंने दाल ही बनाई है, फिर चबाने का कुछ नहीं दिया। आप किसी भी साइड से खा सकते हो, खाने के बाद अच्छे से कुल्ला कर लेना। और भाई सच में दर्द बहुत हुआ था इन्हें, है ना, 25 सुइयां लगाई है, 25, और अभी कल दोबारा जो सिटिंग होएगी ना उसमें भी ऐसे ही ट्रीटमेंट होएगा दोबारा, तो 25 कल लगेगी। अभी थोड़ा दवाई वगैरह दी है तो थोड़ा दर्द आराम है, कम है थोड़ा दर्द पहले से, तो जब दुकान से निकले बाहर है ना तो बुखार हो गए थे, ठंड सी लग रही थी। परेशान हो गया मैं, मेरे को भूख ज़्यादा लग रही है पर मैं खा नहीं सकता। अभी मैंने आज ना रोटी बना के नहीं दी है, क्योंकि फिर उसमें ज़्यादा चबाना पड़ेगा ना तो थोड़ा यूँ है जोर लग सकता है, इसलिए दाल ही बॉईल करके दी है। एक दो दिन खिचड़ी वगैरह ही दूंगी, खिचड़ी दलिया, ताकि दांत पे ज़्यादा जोर ना पड़े। तो भाई चलिए मिलते हैं सुबह, सुबह फिर दोबारा डॉक्टर के जाना है, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे। आज भी हम 5:30 बजे गए थे और 7 बजे डॉक्टर ने फ्री किया था, है ना, और ट्रैफिक भी था, आते वक्त 8 ही बज गए थे। अभी डॉक्टर से अभी फ़ोन पे बात भी करी थी, वो कह रहा था कि दवाई दे दो बस, उसी के अंदर पैरासीटामोल बुखार उखार की सारी मिक्स है दवाइयाँ, तो दवाई दे दी। अब देखते हैं रात को क्या पेन वगैरह होता है या फिर सही है।